रामपुर में उपचुनाव जो है लगातार जारी है और मेरे साथ इस समय अपना दल से प्रत्याशी जो है शफीक अहमद अंसारी हैं। मैं शफीक अंसारी से जानता हूं कि आखिरकार ये बुखलाहट क्या है कि आजम खान जो है कई सारे जो है निशाने दाग रहे हैं। मेरे साथ खुद शफीक अहमद अंसारी, मैं उनसे पूछता हूं आखिरकार समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं आजम खान, क्या बुखलाहट है, क्यों ऐसी आप पर गुस्सा उतार रहे हूँ? देखिए, खिसानी मिली खम्मा नोचे वाली कहावत है और स्वार्थ अंडे की जनता जागरूक हो गई है और वो किसी बाहर वाले के चक्कर में नहीं है, वो अपने चाहती है कि लोकल का बने और लोकल का इंशाल्लाह हम हैं। अच्छा, बताया जा रहा है यहाँ के लोगों से, आज मैंने बात करी कि अब्दुल्ला को जो है काफ़ी आपने कोऑपरेट करा था, तब वो विधायक बना था और जाहिर सी बात है अब भी यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर अच्छा खासा दबदबा है आप। देखिए, आप सब लोग जानते हो हम जमीन से जुड़े हैं और 95 से हम सभासद रहे हैं और सीट पर हैं, 27 साल हो गए हमें लगातार, चूँकि हम छोटे स्तर से चले हैं तो हमें जमीनी स्तर का पता है, सब लोग हमारे साथ हैं, हर वर्ग हमारे साथ है। शफीक अंसारी से लोग जुड़ना क्यों चाहते हैं, क्या क्या चाहत है, क्या ऐसा आपने घोल के पिला दिया लोग? नहीं नहीं, मोहब्बत है, सबकी मोहब्बत है, प्यार करते हैं सब लोग, प्यार करते हैं, सब अपनापन है। क्या आपने वो आवाज़ निकाली तो उसका भी असर है कि हमें क्षेत्रीय विधायक बनना है, लोगों का डिमांड पूरी हो गई, हमारे नेतृत्व ने पूरी हमें विश्वास किया है, हम उनके बहुत आभारी हैं, पूरे NDA गठबंधन के आभारी हैं और इंशाल्लाह उनकी झोली में सीट देगी हमारी स्वर्ग जनता। नूर महल आपसे विरोध कर रहा था, अब कल आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के जो है आपका साथ देने की बात। देखिए, हम उनका स्वागत करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारा समर्थन किया है और उनका नसीब हमें फायदा हुआ। क्या नुकसान तो नहीं होगा क्योंकि नवाबों को ठुकराया यहाँ से और आपने साथ ले लिया? कोई बात नहीं, जो भी होगा फायदा ही होगा, नुकसान क्यों होगा। अच्छा, क्या लगता है कि शफीक अंसारी जो है ख्वाब है क्या MLA बनने के बाद सेवा करना जनता की? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा पूरा ये मानना है कि मैं सेवा करूं और जो मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ जो वंचित हैं लोग उसको मैं पूरा कराऊं। बहुत ही समस्याएं हैं चूँकि यहाँ पर बाहर वालों का जो है वो कब्जा रहा है, इसलिए यहाँ लोकल के लोगों का कब्जा नहीं रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ लोग बेरोजगार हैं और उन लोगों को रोजगार नहीं है। तो मैं जो हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी हैं वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो उद्योग मंत्री हैं, तो इंशाल्लाह जब हमारी स्वर्ग जनता MLA बनाएगी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें तोहफा देंगी। एक दिन वो था कि आजम खान सपोर्ट करते थे आपको, आज उन्हीं का आप किला ध्वस्त करने जा रहे हैं। देखिए, सपोर्ट उन्होंने कभी नहीं किया, हम सब चुनाव निर्दलीय लड़े, आज तक हम उनके सिंबल पे कभी चुनाव नहीं लड़े, जो भी चुनाव लड़े हम निर्दलीय चुनाव लड़े और निर्दलीय चुनाव जीते हैं। तो आप किला ध्वस्त करेंगे आजम खान? हाँ नहीं, आजम खान किला ध्वस्त करेंगे, हमारा किला है, उनका किला, उनका रामपुर का किला है भाई, दो बार विधायक बनाया उन्होंने अपना बेटा, वो स्वर्ग जनता ने, और जब दूसरा कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं था जब, तो इसलिए किसे वोट देते, इसलिए दे दिया। अब हमारे यहाँ के हैं सब लोग, हमें मोहब्बत करते हैं, विकास के नाम पर हमें वोट मिलेगा। एक वीडियो वायरल हो रहा है शफीक साहब, उसमें ये कहा है कि आजम खान जो है घायल शेर थे, अब उन्होंने शेर की एक दहाड़ लगाई है तो विपक्ष जो है बुखला रहे। वो 25 उनकी दिमाग में थोड़ा दिक्कत है, उन्हें वो पहले अपना इलाज कराएं उसके बाद सभाएं कराएं। 10 मई को जो है चुनाव होने जा रहा है, क्या अपील है? मेरी जनता से अपील है, पहले तो 4 तारीख को जो है वो नगर पालिका का चुनाव है, इसमें सब लोग सपोर्ट हमें कर रहे हैं और मैं अपील करता हूं कि विकास के नाम पर वोट दीजिए और जो हमारी हमने सेवा की है उसके नाम पर और जो गवर्नमेंट है उसके नाम पर वोट दीजिए, इंशाल्लाह 100% चुनाव जीतेंगे और पूरी क्षेत्र की जनता चाहती है कि विकास हो और विकास होगा तभी जब NDA के विधायक बनेगा। हालांकि ये शफीक अंसारी हैं जिनको यहाँ की जनता पसंद कर रही है, टांडा दड़ियाल में सब जगह इनको चाहती है और आज ग्राउंड लेवल पे जो है इनका एक अच्छा खासा मुकाम है, तो कुल मिला के जनता भी चाहती है कि बदलाव हो और यहाँ क्षेत्रीय विधायक बने, तो लगातार जो है ये अपनी शख्सियत बनाए जा रहा है और लोग इनको चुनना चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, TV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।